फैरी टेल के एपिसोड 14 का रिएक्शन लेके हम दोबारा से हाजिर है दोस्तों। एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शुरू करते हैं अभी को। अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी कि फरजाद ही तुम्हारा फियांसे? हाँ, फरजाद ही मेरा फियांसे। इसको वो सब सोच के गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, तुम्हें तो नफरत है उससे। आप यहाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, आप इस वक्त मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर होगा, मैं बहुत गुस्से में, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। ए के खान, इतना सीरियस? मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो रो लीजिए। अच्छा, झूठ दूसरे बोले और रूम है। किसने आपसे झूठ कहा? झूठ? धोखा और फरेब किया है मेरे साथ। धोखा और फरेब? पर किसने? सब बता दूं आपको, हाथ पांव कटवा लूं। इसमें क्या धोखा भाई? हाँ, मैं ही समझ रहा हूँ, इतनी सीरियस क्यों हो रही है? उम्मीद, आप यहाँ बैठ जाए। ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे साथ, यहाँ बैठ जाए। ये बंदा भी नहीं मान रहा, बेइज्जती करवाने से अपनी। मीत, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चाय चाहिए मुझे। चाय? अरे यार, अभी लेके आया। टेंशन, गम या खुशी, चाय हर वक्त। बस दो मिनट में ही आने वाली। एक टाइम इनको ये आदत नुकसान दे सकती है, क्योंकि टेंशन में एक एज के बाद चाय पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता, बीपी बढ़ जाता उस। आगू जान, जरा आगे की तरफ भी, वहाँ कुछ ज्यादा दर्द है। आप फिक्र ही ना करें, मेरे हाथों में जादू है, जादू, सारे दर्द मिनटों में गायब हो जाएंगे। दर्द तो मिनटों में गायब हो जाएंगे, लेकिन तब तक मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। चटखाती, मेरी हड्डी चट। पैसे बचा रही है क्या? अरे, इसने मेरी हड्डी ही तोड़ दी। आगू जान, वो हड्डी कैसे तोड़ सकती है? गुटी जाओ, तेल लेकर आओ और आगू जान के पाँव की मालिश करो। नहीं, ना ये कोई मालिश करेगी ना ही मुझे दबाएगी। जीनत, तुम यहाँ आकर मुझे दबाओ। अच्छा, मैं? सास बिंग सास। जाओ गुड़ी किचन में, किचन समेटो और खाने की तैयारी करो। टेक्निक। सुकून। वो जान कम नहीं पड़ती है भाई, वो तेज है। तो ये सारा वावेला था मेरी जान अजाब में रखने का। क्या फायदा हुआ मुझे उम्मीद के पैसे जीतने का। सो भी गई। आपके मॉर्निंग शो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, गेम शो करेंगे तो फिर बताएगा। आपको आखिर मेरे गेम शो से क्या चाहिए? मजीद पैसे। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल फार्मूला है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। फिर उसके बाद जो कुछ मेरा है वो आपका हो जाए। मुझे अपने पैसे चाहिए, किसी और के नहीं। अगर आपका ये शादीनामा बंद हो गया हो तो मैं अपनी चाय को एंजॉय कर लूं। इतनी बेइज्जती करवा रहा हूं। ओह, हेलो फरजाद। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता भाई। लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। कैसा गुस्सा कर रही है उस पे। और कुछ? हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा, आपने कौन सा बदल जाना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप खुद को बदलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। बातें थोड़ी कम किया करें आप। बहुत बोलती हैं आप। Carry on. Thank you, Farzad. उम्मीद, मैं ये कह रहा था कि वो पहले ही मूड खराब करके चले गए। सुने, क्या बोलकर आया बाहर कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। तो जाओ, जाके से शायरी सुनो और अपनी तारीफें। अच्छा, अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं किसके साथ बैठती हूँ, किसकी बात सुनती हूँ? पॉजिटिवनेस दोनों तरफ से है भाई, ऐसे ही समझ लो। और आप जो छुप छुप कर रीना से। फरजाद, तुम आ गए बेटा। ये क्या हो रहा है यार, बिना प्रपोज करे दोनों एक दूसरे की बातों से चल रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत। क्या तैयार खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ। उम्मीद, आप अपनी चाय भूल गई। क्या हो भाई, रात हो गई, अब रेडी हो क्या आया हो? हैप्पी बर्थडे। हाय, चलो दोनों को लेके। ये सही है, चूज कर लो कौन सी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, उसकी उसको भी बुलाया, वो असिस्टेंट को भी। तैयार व्यार हो गया यार। थैंक यू एवरीवन, अ मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। मिस मैक, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने मार्क मेरे शेड्यूल का नहीं बताया। मुझे लगा कि आज आपका बर्थडे है,
तो वो आप स्किप कर देंगे। एग्जैक्टली उन्हें कहिए, मतलब नहीं होता इंसान अपने पैदा होने की खुशी में अपने काम छोड़ दे। ओ भाई, अपने काम ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करने चाहिए ताकि अपने पैदा होने का मकसद पूरा कर सके। गाइस कैरी ऑन, प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ओके रीना, आई सी यू लेटर, बाय। वाह भाई वाह, इसको काम की ज़्यादा पड़ी है। वैसे लड़कों का यही सीन होता है, काम की ज़्यादा पड़ी होती है। अपना भी यही सीन है। सही है, हमको नहीं काटना केक वेक। उसको बुरा बहुत लग रहा है यार, उसने बोला रीना केरियन और उसका नाम तक नहीं लिया। वो लोग घर आ गए तो रुको। पकड़ लिया भाई बादशाह साहब ने। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? वो मेरी फ्रेंड है ना मरियम, मैंने तुमसे नहीं पूछा। आया, तुम बताओ। बादशाह साहब, हम लोग गए हुए थे उम्मीद के दोस्त के घर, वो बर्थडे डिनर था ना इसलिए। अच्छा, मैंने तो तुम लोगों को इजाजत दी थी। भाई तुम्हें दोबारा इस घर में रहने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि तुम्हारा जो दिल में आया वो करो तुम। और हया, तुम भी इसके साथ? नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, तुम जाओ। भाई 1 करोड़ हो या 1 अरब, पैसे खत्म हो ही जाते। सही बात है। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है, ये तो बताओ मुझे। सोचा है ना? क्या सोचा? एक बार और गेम शो में जाएगी। ढाबा, चाय का ढाबा खोलूंगी। कैफे से ढाबे पे आ गई। भाई कितनी जल्दी उसका माइंडसेट चेंज हो गया। अभी तक वो अपसेट थी और आइडिया बताने में इतनी एक्साइटेड हो गई। उसको देख के बोले ये क्या लेके बैठी हुई थी इतने दिनों से अपने अंदर। पैसे होंगे पापा, उसे इसी किस्म की हमाकत की उम्मीद। अब जो मैं कहूंगा ना तुम वही करोगी। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली तुम्हारे लिए। क्या बात कर ली? बताने पे बताऊंगा। ओ भाई, क्या बात कर ली उन्होंने? फासला भी जोन तो ना करे मुझ पे, बताऊंगा तुम। भाई बतन सस्पेंस में फंसा के चले गए बादशाह साहब। खुश तो हो जाएगा गिफ्ट देख कर। बहुत प्यारी बनाई है मेरी चॉइस का, इतना अच्छा अंदाजा किसको हो सकता है? वो रीना का नाम लेगा, लेगी उसकी माँ या जो भी। रीना खुद ही आ गई भाई, रीना इनके घर में ही। अच्छा, इसकी कजन है ना? नाम नहीं लिखा मैंने। तुम लाई हो? Of course. Wow, Rina. I'm impressed. Thank God. तुम्हें कुछ तो पसंद आया। लॉन में बैठ के बातें तो कर ही सकते हैं ना? लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस आना है। Thank God, तुम्हारा appointment तो मिला। वैसे तुम इतनी time management कैसे कर लेते हो? तुम्हें भी time management करना आना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो तो मैं try कर सकती हूँ। ओहो, काफ़ी डेडिकेटेड है फरजात के लिए। पर फरजात का दिल तो ऐसी बंदे पे आ गया है जो कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकती। अपोजिट है पूरी। ओ भाई, इसकी मम्मा को तो खुशी हो रही है इधर। माय डार्लिंग, दीस आर वेडिंग वाइब्स। तो इसका मतलब रीना ये मेरी फाइनल भाभी है? यस। उसने भी पहले से दिल में बना लिया उसको फियोन से, रीना ने भी। हाउ स्वीट, छिन गए ना पैसे, चले गए। अरे हया, तुम ही बता दो बेटा हुआ क्या। मैं खुद अभी शौक से नहीं निकली हूँ, डकैती हो गई। मैं बता रही हूँ डकैती हो गई, यकना शुद्ध दो शुद्ध, क्या करे। अभी अभी तो पैसे आए थे, अभी तो मैंने जिंदगी भी नहीं जी और सब खत्म हो गया चाचू। सब चला गया, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई कि और क्या सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे जी ने। चाय तुम चाय बनाओ, चाय चाय पिएगी तो ठीक हो जाएगी। चाय नहीं चाहिए, चाय। ओ भाई, पहली बार चाय। लो ना, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई भूत आ गया तुम में। यकीनन कोई साया है। और जाओ बाहर, बाल खोल कर 16 सिंगार करके। अरे रात को भूत पीछे पड़ जाते हैं, घर तक आते हैं। मेरी शादी हो रही है। क्या? मैंने अभी शादी नहीं करनी। अगर ऐसी बात होती ना तो मुझसे डिस्कस करते। वो आपको किसी खाते में नहीं लेकर आते।
किसी दोस्त से डिस्कस करेंगे मेरी शादी के बारे में। दोस्त? मुझे शादी नहीं करनी है अभी। रिलैक्स। शादी नहीं करनी। अच्छा नहीं कर रहे। सर आपको पता है रीना मेरी भाभी बनने वाली है, बात फाइनल हो चुकी है। लो देखो जरा, उस खड़ूस का भी मामला पार हो गया। एक हम है, हमारी जिंदगी तो सेट ही नहीं होके दे रही। मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी लोगों को यकीन दिलाने में गुजर जाएगी। आप लोगों को छोड़े, पहले उस लड़की को तो यकीन दिला लें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अरे वो सुनती ही कहाँ है, बस अपनी कही जाती। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सुन तो रही हूँ आपकी बात, आप बोलें। अरे मिमी तुम हमेशा सुनती, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। ओ भाई फ्रेंड जोन, फ्रेंड जोन हो गया। हम तो दिल हार बैठे सर। टाइट है फिर, फ्रेंड जोन कर दिया। ये उम्मीद को के बारे में गलत ना समझने लग जाए। तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। दर्द क्या हो गया मीमी के साथ, सभी टेंशन में। केक काटो और चला गया। हाँ तो इतने अरसे से मैं तुम्हें क्या समझा रही थी, वो ऐसे ही है। भाई तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हें मेहमानों को वक्त देना चाहिए, मगर नहीं। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, रियल सिस्टर्स जैसा एकदम। भाई क्या मुसीबत है कि सुबह सुबह कौन आ गया। एकदम अलग है गुड्डी, लेकिन हया की हया बहुत अच्छी। जाकर देखो कौन आया है। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप खुद देख लें। ओ भाई हद है, हमने से नौकर रखा है इसने हमें। कौन है भाई? मैं वलीद। ओ भाई वलीद। अरे वलीद इतनी सुबह सुबह, खैरियत तो है? दरअसल आज जमीन एक खास पैगाम से भिजवाया था। गिफ्ट से तो यार सासू माँ भी खुश हो जाती है। पाशा साहब ने ना तुम्हें उम्मीद के रिश्ते के लिए बुलाया था, आया कि नहीं? ये भी अलग सीन चल रहा है। अगर उम्मीद से हो जाती तो आज तुम 2 करोड़ के मालिक होते, सोचो पाकिस्तान में जीती थी। लालच दे दिया इसको भी। तुमने प्रोग्राम नहीं देखा, पिछले हफ्ते उसका स्पेशल शो आया था। नहीं नहीं मैं अब यूट्यूब पर जाके देखूंगा। अब ये उम्मीद के लिए रिश्ता ना भेज दे। घर से भागी थी लेकिन रिजल्ट अच्छा निकला ना, 2 करोड़ जीत गए। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पाशा साहब को इस बात का जिक्र पसंद नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम भी खामोश हो गए। ते जो 2 करोड़ हैं, ये सिर्फ उम्मीद के हैं ना? पूरे पीछा छुड़वा रही है, पर ये तो साला लालची निकला रे। मेरी मंगनी तो हया के साथ हुई है। तो क्या हुआ? मंगनियां तो टूट भी जाती हैं, मेरी अपनी 3 टूटी थी। अरे बाप रे। हाँ सही है, मंगली तो टूट सकती है, शादी तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। पाशा साहब की बात को चंद घंटों से ज्यादा इतना सीरियस लिया कब है? कल रात तुमने इतनी ओवर एक्टिंग की थी, अभी तक गुस्से में हो तो? तुम्हारी कल क्या बात हुई है फरजाद से? क्या कहा है मौसूफ ने? मौसूफ की मंगनी हो रही है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मीमी ने भी नहीं। तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि उनकी मंगनी हो गई है? मैं उनकी फैमिली फ्रेंड हूँ, मुझे तो बताना चाहिए था ना। उसके फियांसे रीना ने बताया। तो बस इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा उम्मीद? मैं कहाँ करती हूँ गुस्सा, मैं तो ये बात सुनकर भी ना अच्छा वाला अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी, मगर फिर वो सड़ियल टपक पड़ा और मुझे अपनी कड़वी कड़वी बातें सुनाती। बहुत फजूल के लग रहे हैं उसके। वही तो ना, कि वो खुद को बदले बल्कि कहता है मैं खुद को बदल। हो सकता है लड़कियां उसके लिए खुद को बदल लेती हूँ, है भी तो इतना डैशिंग। इसी बात का तो नखरे है उसे। अब है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, लोग रोब में भी आ जाते हैं। है भाजी आपके ससुराल से नाश्ता है, बड़ी बेगम साहब आपको बुला रही हैं। सिर्फ नाश्ता है? नहीं दूल्हा भी आया था लेकिन वो चला गया। ओ भाई सुना तुमने, दूल्हा भी आया था। दूल्हा भी आया था। दूल्हा आया है। आ गई लाडली। तुम्हारा क्या हो गया उम्मीद? मंगनी से बच गई मगर शादी में फंस गई। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। ठीक है तो 2-4 रोज ठहर कर कर लेना। अल्लाह अल्लाह करके तो उस माकूल से जान छूटी है मेरी, और मेरी जान को चिपक गया वो रिश्ता। तुमने तो खुशी खुशी चिपकाया, वरना इनकार भी कर सकती थी। ओ ओ ओ इसको इतना कितना गुस्सा आ गया। सब नॉर्मल को क्या हुआ? ये सब नॉर्मल को क्या हुआ? इस घर में नाश्ता मिलेगा मुझे? गुड्डी कितनी बार कहा है कि नाश्ता लेट ना हो। जी बीबी जी। बीबी जी नहीं मैडम। जल्दी लाओ नाश्ता।
और मेरी चाय भी। चलो भाई वीडियो इधर ही एंड होता है, एपिसोड इधर ही एंड होता है, और काफी चीजें उलझ गई है यहाँ पर उधर। काफी मिक्स रिएक्शन का सीन उससे चालू हो गया है, चालू हुआ नहीं है पर लोग समझ रहे थे चालू हो गया। उसकी मामा समझ रही है, मामा भी समझ रही है, बहन भी समझ रही है, और ये भी समझ रही है भाई। हाँ। वो फरजाद खुद जो है वो थोड़ा सा उम्मीद की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और उम्मीद फरजाद की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। फरजाद को भी जेलेसी हो रही थी जब एके खान उम्मीद से बात करता था, तो फरजाद उसकी वजह से भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। और वो एके खान इसके पीछे पड़ा है, और फरजाद की बहन एके खान के पीछे पड़ी, व्हाट मतलब ऐसे यूं ऐसे यूं अब यूं फिर यूं। अरे अब वो वलीद भी उम्मीद के पीछे पड़ने वाला है, उम्मीद के पीछे पड़ने वाला है एक और बंदा पैसे के चक्कर में। भाई एक बात तो है, इससे हया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो हुआ इससे उसकी माने हया की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दी है, शादी तो टूटने वाली है पक्का। और मेरे ख्याल से अब ये भैया इतने लालची लोग हैं तो हम इनके घर में शादी ही नहीं करते, और भाई दोनों की मतलब होगी ही नहीं शादी इस चक्कर में। लेकिन कंफ्यूजन अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस ड्रामे में, और इस बीच बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है मुझे लगता है, मज़ा आएगा। अभी आने वाला एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिल्डअप हो गया है, लेकिन आगे जो मज़ा आने वाला है। लेट्स सी भाई, आप लोग बताना आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें भाई, सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ के गुजारिश है। और इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।